हेलो नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदन मेडिसिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे दिमाग को तेज करने की टिप्स के बारे में और दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं आज कुछ नया। दोस्तों क्या आप जानते हो, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है। आपका शरीर सोते समय आराम तो कर लेता है, परंतु मस्तिष्क कभी आराम नहीं करता। इस समय भी यह सोचता रहता है, जिस कारण हम सपने देख पाते हैं। मस्तिष्क बहुत सारे काम करता है, जैसे कि सोचना, संख्याओं को याद रखना, लिखना, पढ़ना, ये सभी काम मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मस्तिष्क का सिद्ध होना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम समय के अंदर अधिक काम करने के लिए दिमाग का सही समय पर सही प्रतिक्रिया करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के कुछ उपायों के बारे में। इससे पहले दोस्तों आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नंबर वन, दिमाग को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें। दोस्तों मस्तिष्क एक जटिल संरचना होती है। लोगों को लगता है कि मस्तिष्क को हम प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन एक शोध के अनुसार मस्तिष्क की पैतृक बनावट के बारे में बताया गया था, जिसमें हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बना हुआ होता है। न्यूरॉन्स एक प्रकार की सेल होती है जो कि मस्तिष्क को संदेश भेजती है। दोस्तों अगर आप रोजाना मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन की वजह से आपकी दिमागी शक्ति बढ़ती है। दूसरा, यह तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे कि आपकी स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी बढ़ावा होता है। दोस्तों कसरत या व्यायाम करते समय मस्तिष्क कार्य करता है, जिससे आप दर्द और भावनाओं को सहने के लिए सक्षम बनते हो। नंबर टू, दोस्तों मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, थियानिन एक अमीनो एसिड होता है जो कि ग्रीन टी की पत्तियों में पाया जाता है। यह अम्ल तनाव बढ़ाने वाले कारकों को निष्क्रिय करता है। एक जापानी रिसर्च के अनुसार यह चिंता को कम करके ध्यान बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक माना जाता है। ग्रीन टी के फायदे बहुत सारे हैं, उनमें से एक है थकान को दूर करना, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है जो कि आपको दिन भर चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने में हेल्प करता है। नंबर तीन, याददाश्त बढ़ाने के लिए जॉगिंग करें। दोस्तों जॉगिंग करने से रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व अच्छी तरह से मिलते हैं, जो किसी भी कार्य को तेजी से करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अधिकतर लोग जॉगिंग शुरू करने के कुछ दिनों के बाद ही अधिक फुर्ती से काम करने लगते हैं। नियमित रूप से कोई भी शारीरिक गतिविधि आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नंबर चार, थोड़ी सी झपकी लेने से होता है बुद्धि का विकास। दोस्तों जो लोग थोड़ी देर के लिए झपकी लेते रहते हैं, उनकी स्मरण शक्ति अन्य लोगों की तुलना में 25% ज़्यादा होती है। झपकी लेने की आदत इस स्मरण शक्ति को किसी तरह से नियोकॉर्टेक्स यानी कि मस्तिष्क का वो भाग जिसे देखने और सुनने की शक्ति मौजूद रहती है, उसके अंदर स्थानांतरित कर देता है, जहाँ पर ये अधिक समय के लिए सुरक्षित रहते हैं। नंबर पाँच, मेमोरी बढ़ाने के लिए विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दोस्तों चाहे आप अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो या फिर आपके पास समृद्धि से जुड़ी समस्या है, कुछ विटामिन और फैटी एसिड आपकी इस समस्या का समाधान के लिए ही बने हैं। इसके लिए दोस्तों जैसे कि आपको विटामिन B12, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि सबसे अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर मेमोरी को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों हरी सब्जियां, अंडे, मीट और मछली के अंदर विटामिन भी प्रचुर मात्रा में होता है। मछली खाने से होमोसिस्टिन एमिनो एसिड की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उम्र के साथ भी मस्तिष्क के विकास में आने वाली रुकावट कम हो जाती है। दोस्तों बादाम के अंदर कई प्रकार के नट्स और बीज होते हैं, जैसे कि विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो याददाश्त कमजोर होने से हमें बचाता है। ऐसे ही दोस्तों ब्लूबेरीज के अंदर फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, जो आपके स्थान संबंधी समृद्धि को सुरक्षित रखती है। दोस्तों चॉकलेट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं दिमाग को तेज करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों दिमाग तेज करने के लिए सबसे आसान जो उपाय है वो है दालचीनी और शहद। इसमें क्या है दोस्तों, आपको 5 से 8 ग्राम दालचीनी पाउडर शहद में मिलाकर रोज लेने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और आपका दिमाग भी तेज होता है। नंबर दो, दिमाग तेज करने के लिए आप ब्राह्मणी का प्रयोग करें। ब्राह्मणी क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मणी दिमाग शक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जड़ी बूटी मानी जाती है। एक चम्मच ब्राह्मणी का रस रोज सेवन करने से आपको 6 से 7 ब्राह्मणी के
पत्ते रोज चबाकर खाने से दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है। नंबर 3, दिमाग को तेज करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है अखरोट और किशमिश। अखरोट और किशमिश के सहारे आप अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा तेज कर सकते हो। इसके लिए आपको 20 ग्राम अखरोट के साथ 10 ग्राम किशमिश खाने से आपके दिमाग की शक्ति तेज होती है और यह स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है। दोस्तों, आपको यह अपनी शक्ति के अनुसार ही खाना है। नंबर 4, दिमाग की कमजोरी का इलाज होता है अलसी के बीज। अलसी के बीज के सहारे आप अपने दिमाग की कमजोरी को बहुत ही जल्दी दूर कर सकते हो। आपको क्या करना है, अलसी के बीज के अंदर प्रोटीन और फाइबर होता है, इसलिए दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। नियमित रूप से अलसी के बीज को आपको इस्तेमाल करना है। आप इसे किसी प्रकार से खाकर अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। नंबर 5, दिमाग की शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है तिल और गुड़। तिल और गुड़ का इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 20 ग्राम तिल के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खाने से आपकी दिमागी शक्ति बढ़ने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें।